हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो जो हमारे फ़ोन के नेटवर्क के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे वीवो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही वाले आइकन से ओपन हो जाएंगे। तो जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है आपके फ़ोन में तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क सेटिंग पे जाकर जहाँ से आपको सिम कार्ड सेटिंग्स को ओपन करना है तो यहाँ से आप नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेटवर्क टाइप को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप देखते हैं कि नेटवर्क सेटिंग्स को आप रीसेट करके भी नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से भी अगर आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर पाएंगे, सिंपली सिस्टम सेटिंग पे जाना होगा। सिस्टम सेटिंग पे जाकर जब आप यहाँ से रीसेट ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो रीसेट वाईफाई मोबाइल डाटा सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ से नेटवर्क की ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर देना है। देखते हैं यहाँ से नेटवर्क ऑल सेटिंग रीसेट हो जाएगी और नेटवर्क की ऑल सेटिंग रीसेट होते ही नेटवर्क प्रॉब्लम हमारे फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी और साथ में इंटरनेट प्रॉब्लम भी हमारे फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।